वेलकम टू ए सच फैशन वर्ल्ड आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा बॉर्डर डिजाइन सिखाने वाली हूं ये देखिए ये मैंने थ्री प्लाई वूल पक के ऊपर बनाया हुआ है ये देखिए बहुत ही प्रिटी है और बिल्कुल अलग तरीके से हम इस बॉर्डर को बनाएंगे इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा इतना क्लियर देखिए ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है आप इसको बटन पट्टी पर आप चाहे तो उसको फुल कार्डिगन या जेंट्स आप स्वेटर या बच्चों के स्वेटर किसी के ऊपर भी बना सकते हो बटन पट्टी पर गले के ऊपर बॉर्डर पर या फुल शर्टर के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो तो चलिए देखते हैं बॉर्डर हम किस तरह से बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए हमने थ्री के मल्टीपल में फंदे रखने हैं प्लस आपको इसमें वन कर लेना है तीन से गुणा करके फंदे रखने हैं और जमा एक इसमें कर लेना है जैसे कि मैंने यहाँ पर तीन से गुणा करके बारह और प्लस उसमें एक करके तेरह फंदे मैंने यहाँ पर डाले हैं चलिए अब स्टार्ट करते हैं ध्यान से देखिएगा दो रो का डिजाइन है दोनों रो को आपको ध्यान से देखना है तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा देखिए क्या करेंगे पहली रो सीधी तरफ से रो वन राइट साइड से पहला फंदा सीधा उतारा अब उसके बाद देखिए दो फंदे सीधे बनाएंगे वन और ये टू दो फंदे सीधे बनाए धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे अब ये शुरू का एक एज स्टिच छोड़कर यही हम रिपीट करेंगे यही तीन फंदे धागा पीछे दो फंदे सीधे वन टू धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा आगे एक फंदा उल्टा तो सारी रो आपको देखिए इसी तरह से कंप्लीट करनी है लास्ट में आपके पास ये तीन फंदे बचेंगे तीनों को आपने सीधा बना लेना है अब रो टू पर आ जाइए रॉन्ग साइड से दूसरी रो उल्टी तरफ से इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है इस पर हम ये डिजाइन डालेंगे दूसरी रो उल्टी तरफ से तो देखिए क्या करेंगे पहला फंदा हमने उल्टा उतारा अब यहां पर आगे जो दो फंदे हैं जो देखिए हम राइट साइड से सीधे बना रहे थे इन दोनों का हमने इस तरह से सिलाई में डाल लेना है दोनों को दो का एक बनाएंगे दो का एक फंदा बनाएंगे अब इनको देखिए छोड़ेंगे नहीं अब ये जो पहले वाला फंदा है इसको हमने उतार देना है इसको हमने उतार दिया अब ये जो दूसरा फंदा है इसको हमने फिर से उल्टा बनाना है ये देखिए अब धागा पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे अब यही तीन फंदे हम रिपीट करेंगे ध्यान से देखिएगा दो फंदे जो हम पिछले रो में सीधे बना रहे थे दोनों को पहले एक फंदा बनाएंगे एक फंदा बना लिया अब ये जो पहले वाला फंदा है इसको हमने उतार देना है इसको उतार दिया अब ये दूसरा फंदा है इसको हमने फिर से उल्टा बनाना है फिर धागा पीछे ले जाएंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे तो बार बार देखिए हमने यही तीन फंदे रिपीट करने हैं फिर से देख लीजिए दोनों फंदों को एक साथ दो का एक करेंगे और पहले वाले फंदे को उतार देंगे और दूसरे फंदे को फिर से उल्टा बनाएंगे फिर दागा पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे तो ये सारी रो आपको इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है देखिए यही आपको रिपीट करना है ये देखिए पहले वाले फंदे को उतार देंगे और दूसरे वाले फंदे को फिर से बनाएंगे लास्ट में आपके पास एक फंदा बजेगा इसको आपने उल्टा बना लेना तो देखिए दो रो बनाने के बाद हमारा डिजाइन भी यहाँ पर ओवर हो जाता है अब यही दो रो हम बनाते जाएंगे इसमें मैं थोड़ा सा आपको बना करके दिखा देती हूँ तो देखिए यही दो रो हम बनाते जाएंगे यहां पर बिल्कुल हल्का सा डिजाइन मैंने बनाया है एक रो मैंने और बना ली इसकी तो हम यही दो रो बनाते जाएंगे और हमारा ये डिजाइन देखिये कुछ इस तरह से बनता जाएगा बहुत ही प्रिटे डिजाइन बनता है ये आप बना करके जरूर देखिएगा बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है ंग साइड से देखिए कुछ इस तरह से दिखता है और ये इसकी राइट साइड है सो आपको कैसा लगा प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताइएगा यही दो रो आपके ने बनाते जाना है और एक ब्यूटीफुल सा डिजाइन क्रिएट करते जाना है थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल के साथ तब तक के लिए